कितना अच्छा होता हमारे पास एक सिद्धांत होता जिसकी मदद से हम ब्रह्मांड में होने वाले हर चीज के बारे में बता सकते, एक्सप्लेन कर पाते और मैथमेटिकली कैलकुलेशंस भी। बट वेट, ऐसा ही एक सिद्धांत ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यह सिद्धांत इतना पावरफुल है कि हम इसकी मदद से E=mc² से लेकर न्यूटन के F=ma को भी ड्राइव कर सकते हैं। इस सिद्धांत का नाम है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन या प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी एक्शन, एंड आज हम इसे और डिटेल में समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन के मैथमेटिकल डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, बट हाँ आपको इसके मैथमेटिक्स की फील जरूर दिला देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लैग्रेंजियन मैकेनिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स का अल्टरनेट है, जो ना सिर्फ पार्टिकल्स पे काम करता है बल्कि किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में यूज किया जा सकता है। लैग्रेंजियन मैकेनिक्स के पास कई ऐसी चीज़ हैं जो इसे बहुत ही स्पेशल बनाते हैं, जैसे कि हम इसे फील्ड थ्योरी में भी यूज कर सकते हैं, यानी मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, जो स्टार्ट में 20 अलग अलग डिफरेंट इक्वेशन हुआ करते थे बट आज बस 2 इक्वेशन में बदल चुके हैं, भी इसकी मदद से ड्राइव किए जा सकते हैं। क्यों, चौंक गया ना? बट मैक्सवेल ने तो 4 इक्वेशन दिया था। हाँ बिल्कुल, बट हमने उन्हें टेंसर फॉर्मुलेशन की मदद से 2 इक्वेशन में बदल दिया है। अब टेंसर्स क्या है और कहाँ से आते हैं, यह हमारे आने वाले वीडियोस का टॉपिक है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए एंड हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद। एनीवेज, बट लैग्रेंजियन मैकेनिक्स अकेला नहीं है, साथ में हेमिल्टोनियन मैकेनिक्स भी है जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन का यूज करता है। वेल, कुछ हालातों में लैग्रेंजियन मैकेनिक्स से प्रॉब्लम मैथमेटिकली डील कर पाना बहुत हार्ड हो जाता है, उन केसेस में हम हेमिल्टोनियन मैकेनिक्स का यूज करते हैं। वैसे तो दोनों ही एक सिद्धांत पर आधारित हैं, बट हेमिल्टोनियन मैकेनिक्स को लैग्रेंजियन मैकेनिक्स के ऊपर बेस किया गया है। अगर आप एक मैथमेटिकल जीनियस हो तो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स की मदद से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आपको हेमिल्टोनियन मैकेनिक्स की यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। एनीवेज, अब तक शायद हमने बहुत लैग्रेंजियन मैकेनिक्स की तारीफ कर दी जो आपको उबा रही होगी, इसलिए चलिए अब इसके चमत्कार की तरफ चलते हैं। लैग्रेंजियन मैकेनिक्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन पर आधारित है, जो यह कहती है कि यूनिवर्स में होने वाला हर इवेंट एक खास चीज एक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करता है। इसे एक्सट्रमाइज करना भी बोला जाता है, जिसका बेसिक मीनिंग मिनिमाइज या मैक्सिमाइज होता है। यह एक्शन जो हर इवेंट में हमेशा मिनिमम या मैक्सिमम होता है, वह लैग्रेंजियन पर डिपेंड करता है एंड उसे इस इंटीग्रेशन के रूप में दिखाया जाता है। इन चीज़ों को हम अपने पुराने एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब एक क्रिकेटर बॉल को हिट करता है तो वह बॉल हवा में एक खास तरह से मूव करती है, बट वह बॉल ऐसे ही मूव क्यों कर रही है, वह ऐसे भी तो मूव कर सकती थी, राइट? या वेल, ऑफ कोर्स ग्रेविटी, बट हम सभी जानते हैं कि वह एक फोर्स नहीं है, फिर ऐसा क्यों हुआ? यही प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन आता है। उसके मुताबिक अगर हम बॉल के इन सभी पाथ के ट्रेजेक्ट्रीज के हर पॉइंट पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करें एंड उनके डिफरेंस को ऐड करें, तो इस पाथ को छोड़कर सभी में उनका वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी जो चीज़ इस पाथ को खास बना रही है वह काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम डिफरेंस है। बट क्योंकि हम पूरे पाथ को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हमें इन छोटे छोटे काइनेटिक एनर्जीज को ऐड करना पड़ता है एंड यहीं पे मैथमेटिकल टूल इंटीग्रेशन काम आता है। अब इस काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को हम लैग्रेंजियन का नाम देते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचना कि ब्रह्मांड में होने वाले हर घटना में सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही मिनिमम होता है। अगर हम रिलेटिविटी की मदद से इस चीज़ को बता रहे होते तो ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की वजह से स्पेस में समय की फ्लो हर जगह अलग अलग होती एंड इस वजह से यह बॉल इस खास रास्ते पर इसलिए मूव कर रही है क्योंकि यह इसके ट्रैवल टाइम को मिनिमाइज करता है। नाउ अब सवाल आता है कि चलो इतना तो पता चल गया, बट इसे कैलकुलेट कैसे करें? इस सवाल का जवाब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन देता है। यह भी थोड़ा थोड़ा आपके क्लास 12th की मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन वाले चैप्टर की तरह है, जिसमें आप एक मैथमेटिकल क्वांटिटी के मिनिमा या मैक्सिमा को खोजने की कोशिश करते हो। जैसे इस ग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पर y की वैल्यू सबसे कम है। बिल्कुल ऐसे ही हर अलग अलग पाथ के लिए एक्शन को कैलकुलेट करते हैं एंड इन्हें हम एक ग्राफ पर दिखाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, इस मेथड का यूज़ करके हम इस एक्शन के मिनिमम या मैक्सिमम को खोज लेते हैं। बट जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि यह एक्शन पाथ पर डिपेंड करता है, इसलिए यह मिनिमा एक खास पाथ के बारे में बता रहा है और यही वह पाथ है जिसमें हमारा बॉल मूव कर रहा है। इस पूरे प्रोसेस को एक मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए भी रिप्रेजेंट किया जाता है, आयलर लग्रांज इक्वेशन, जो बेसिकली आपको चीज़ों के ट्रेजेक्ट्रीज को दे देता है अगर आप उसमें सही लग्रांजियन को पुट करें तो। एग्जैक्ट यही प्रोसेस का यूज़ करके आप आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन, जिस पर पूरा जनरल रिलेटिविटी आधारित है, श्रोडिंगर इक्वेशन, डिराक इक्वेशन या फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन जिसके बारे में आज तक आपने पढ़ा है, इवन हिक्स मैकेनिज्म या स्ट्रिंग थ्योरी भी ड्राइव कर सकते हो। बस आपको एक सुइटेबल लैग्रेंजियन को खोजने की ज़रूरत है। अब यह बात मुझे सबसे कूल लगती है
क्योंकि यह यूनिवर्स की सिंप्लिसिटी और ब्यूटी को सबसे अच्छी तरह से दिखाता है। अब हम वीडियो के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, बट जाने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि अगर आप भी लग्रांजियन मैकेनिक्स को समझना चाहते हो तो आपको किन चीज़ों को पहले पढ़ने की ज़रूरत होगी। पहले सबसे पहले ऑफकोर्स कैलकुलस पढ़ना होगा, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। इसके बाद आप लग्रांजियन मैकेनिक्स का यूज़ करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। वेल देन, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम ऐसे ही कुछ चीज़ के बारे में जानेंगे। एंड हाँ फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, क्योंकि क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज़ है जो किसी फिजिक्स लवर को लेवल जीरो से बहुत आगे ले जा सकती है। बट क्यूरियोसिटी के साथ एक बर्डन आता है, ढेर सारे सवालों का, जिनका जवाब आपको ना मिल पाने की वजह से आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो एंड अपने क्वेश्चंस को गिव अप कर देते हो। बट हम आपके साथ ऐसा नहीं होने देना चाहते, इसलिए आप अपने सवालों को हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मार्क के साथ जरूर शेयर करें। एंड अगले वीडियोज़ में हम आपके इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। टिल देन, हैप्पी फिजिक्सिंग।